हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर्स वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम आज आपके लिए लेके आए हैं आरबीआई असिस्टेंट एग्ज़ाम का प्लान। ये हमने प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए प्लान बनाया है एंड एज वी ऑल नो आपका जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है वो 14 फरवरी या 15 फरवरी या दो में से किसी एक दिन रहेगा। सो हार्डली 45-50 डेज आर लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम। तो लेट्स हैव अ जनरल प्लान। नाउ एक स्पेसिफिक प्लान कैन डिफर फ्रॉम योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बट इन जनरल वी विल अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या है और इसमें कितने क्या कुछ पॉसिबल अटेम्प्ट हो सकते हैं, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए, कौन से सेक्शन में कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस कितने मार्क्स के लिए रिपीटेडली आते हैं या अब तक आया कर रहे हैं। सो ये जो कुछ है, ये सारी डिटेल्स के बाद आप अब एक अपना खुद का एक अलग से प्लान्ड अप्रोच बना सकते हो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। सो लेट्स सी द एग्ज़ाम स्ट्रक्चर फर्स्ट। तो एक बार वापस से एग्ज़ाम स्ट्रक्चर जान लें। तो ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो है, आप देख सकते हो आपके पास 3 सेक्शंस है और आपके पास 1 घंटे का वक्त है। नाउ ये जो 1 घंटे का वक्त है, ये ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 3 अलग अलग सेक्शंस में। सो दैट मीन्स जब आप इंग्लिश सॉल्व कर रहे हो तो उस 20 मिनट तक इंग्लिश ही रहेगा, आप उसको स्किप करके आगे नहीं जा सकते हो। और इन द सेम वे नेक्स्ट सेक्शन अगर आपका मैथ्स आ रहा है न्यूमेरिकल एबिलिटी का, और एक बार वो स्टार्ट हो गया तो उसके बाद में वापस आप पीछे नहीं जा सकते हो। सो ये बात समझना इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो आपको जो 20 मिनट है वो उसी सेक्शन को पूरे देने पड़ेंगे, आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है। सेकेंडली, इसके अलावा हर एक सेक्शन में एक सर्टन मिनिमम अटेम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है। सेक्शनल कट ऑफ्स भी रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपका मैथ्स उतना खास नहीं है, आप 20 मिनट में 2-4 अटेम्प्ट करके वेट नहीं कर सकते हो। आपको उस 20 मिनट में आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, आपको आपका बेस्ट अटेम्प्ट बेस्ट स्कोर देना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव अ चॉइस। सो ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम हो गया। तो ये एग्ज़ाम स्ट्रक्चर है एंड देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो कि आप गेस वर्क भी नहीं कर सकते। एंड वी ऑलवेज टेल पीपल जिस किसी एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग है कभी भी गेस वर्क नहीं करना है। सो लेट्स कम टू द टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं टेंटेटिवली, और जिस हिसाब से आपको एक फोकस बनाना है उस टॉपिक्स पे आ जाता है। तो हम शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज से। ये आपके टॉपिक्स हैं आपके सामने, ये टॉपिक्स रिपीटेडली आते हैं पिछले 4 सालों से, सारे बैंकिंग एग्ज़ाम्स में प्रीलिम्स भी मिल रहे हैं। और इसका जो टेंटेटिव वेटेज है, तो आप देख सकते हो कि एरर स्पॉटिंग 5 से 10 क्वेश्चंस के लिए आ सकता है, क्लोज टेस्ट 5 से 10 क्वेश्चंस के लिए आ सकता है, वोकैबुलरी 4 से 5 क्वेश्चंस, ये खास करके बहुत बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मतलब पैसेज का जो टॉपिक होता है उसी में 4 से 5 क्वेश्चंस वोकैबुलरी के होते हैं, और जंबल्ड पैराग्राफ ये लगभग 5 क्वेश्चंस के लिए आता है। अब ये टोटल 30 क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट्स नॉट पॉसिबल टू अटेम्प्ट ऑल 30 क्वेश्चंस, एंड अगर पॉसिबल भी हुआ उस 20 मिनट में तो भी ये बहुत ही बड़ी बात रहेगी कि सारे 30 करेक्ट आए। तो इसमें आइडियल अटेम्प्ट कितने हो सकते हैं ये हम लास्ट में बात करने वाले, लेकिन अगर आपको अटेम्प्ट बढ़ाना है तो आपको एक आपका सीक्वेंस फिक्स करना पड़ेगा, आपको इसमें से टॉपिक शॉर्टलिस्ट करने पड़ेंगे जिसमें आपको वो टॉपिक्स अटेम्प्ट करने और कौन से टॉपिक्स आपको अटेम्प्ट नहीं करने, ये आपको फिक्स करना बहुत ज़रूरी रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल वी नॉर्मली रिकमेंड प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम है तो जंबल्ड पैराग्राफ जैसा जो टॉपिक है तो वो आप लास्ट में रखो या उसको स्किप करो, ठीक है। बिकॉज 20 मिनट में अगर ये टॉपिक ने 6-7-8 मिनट खा लिए और अगर आपके पास एक एग्जैक्ट उसके 5 क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हैं या आप श्योर ही नहीं हो कि आपने जो सीक्वेंस बनाया वो सही है या नहीं है, तो वो आपका टाइम भी वेस्ट करेगा और आपका मार्क्स भी वेस्ट करेगा। सो ये थोड़ा गैम्बल हो सकता है। तो जंबल्ड पैराग्राफ या पैरा जंबल जो भी, यू कैन थिंक अबाउट स्किपिंग दिस। सेम वे रीडिंग कॉम्प्रहेंशन भी आप लास्ट में कर सकते हो, बिकॉज बाकी जो ऊपर के जो टॉपिक्स है, एरर स्पॉटिंग, क्लोज टेस्ट या सेंटेंस करेक्शन होता है, फ्री सब्स्टिट्यूशन, ये जो टॉपिक होता है ये भी एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। तो ये टॉपिक नॉर्मली एक जो क्वेश्चन है वो बहुत बार 10-15 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर सॉल्व होता है। मतलब अगर आपने इमीजिएटली उसका आंसर ढूंढ लिया, एरर ढूंढ लिया या जो करेक्शन करना है वो ढूंढ लिया है, तो वो शायद 15 सेकंड भी लेता है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको 2 बार पढ़ना पड़ गया, अगर आप 2 बार उस सेंटेंस को पढ़ रहे हो
तो 30 सेकंड से 40 सेकंड, सो एक मिनट से ज़्यादा वक्त ये नहीं लेगा। तो ये टॉपिक मैक्सिमम एक मिनट लेता है, तो ये टॉपिक पे फोकस ज़्यादा करो। बिकॉज अगर आपने दो बार पढ़ के छोड़ भी दिया ना, तो भी आधा मिनट वेस्ट होता है, ये दो मिनट वेस्ट नहीं करा रहा। सो यू शुड बी फोकसिंग ऑन दीज टॉपिक्स, जो एरर स्पॉटिंग है, सेंटेंस करेक्शन है या फ्रेज सब्स्टिट्यूशन, और ये फिल इन द ब्लैंक्स वोकैबुलरी बेस्ड जो टॉपिक है वो। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आ जाते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस और दीज आर द टॉपिक्स जो आपको रिपीटेडली फ्रीक्वेंटली मिलने वाला है। नाउ इसमें सिंप्लीफिकेशन एज ए न्यूमेरिकल एबिलिटी क्लरिकल एग्जाम है या असिस्टेंट लेवल का एग्जाम है, तो इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे। लगभग 10-15 क्वेश्चन यहाँ पर मिल सकते हैं। अभी इसमें कुछ पिछले 2 सालों से हमने ट्रेंड देखा कि जो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पर एक्स और वाई के वैल्यूज़ ढूंढने होते हैं और उसकी वैल्यूज़ निकाल के फिर फाइनल एक्स और वाई का कंपैरिजन मार्क करना होता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। इसके अलावा नंबर सीरीज 5 मार्क ऑलमोस्ट फिक्स है। डेटा इंटरप्रिटेशन 5 से 10 क्वेश्चन, मतलब या पॉसिबली 2 सेट मिलेंगे आपको, मतलब 10 मार्क का ये टॉपिक रहेगा। तो उसके बाद में जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे ना, वो एवरेजेस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो प्रपोर्शन ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, जो हमने पिछले आरबीआई असिस्टेंट की वीडियो में भी मेंशन किया था। और मिक्स क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। टोटल 35 क्वेश्चंस रहेंगे। यहाँ पर भी वही बात कहूँगा कि इसमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने लायक नहीं होते, आपको फिक्स करना कि कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। और नंबर सीरीज जैसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 5 मार्क का, लेकिन अगेन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे के सारे 5 क्वेश्चंस आप सही नहीं निकाल सकते हो, या उस टाइम लिमिट के अंदर सारे 5 सॉल्व हो सकते हैं, ये बहुत थोड़ा डाउटफुल रहेगा। तो ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पर 5 में से शायद आपको 3 क्वेश्चन के आंसर सही मिल जाए, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन भी ऐसा टॉपिक है, शायद 5 में से आपको 1 सेट सॉल्व करो, 5 में से 3 या 4 सॉल्व हो जाए, एक कोई कॉम्प्लिकेटेड है या डिफ़िकल्ट है तो आपको स्किप करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ, तो यही लगभग हर एक टॉपिक में हो सकता है। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन में भी सारे 10 क्वेश्चन सॉल्व करने के झंझट में नहीं पड़ना होता, जो आपको 10 में से 7-8 अच्छे क्वेश्चन मिल रहे उसको निपटा दो और आगे बढ़ो। ये हुआ न्यूमेरिकल एबिलिटी। लेट्स कम टू द रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग में अगेन जो आपका पजल्स है, ये 5 मार्क का टॉपिक है। सिटिंग अरेंजमेंट पजल, ये 10 मार्क का टॉपिक है। कोडिंग डिकोडिंग, ये लगभग 4 से 6 क्वेश्चंस के लिए आ सकता है। इनइक्वालिटी, इसमें ये अलग टाइप का इनइक्वालिटी होता है, जिसमें आपको पी लेस देन और ग्रेटर देन क्यू, पी इक्वल्स टू क्यू, इस टाइप में वहाँ पर स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स दिए होते हैं, तो वो सॉल्व करना होता है। लेकिन ये हर बार लगभग 5 मार्क के लिए आता है। ब्लड रिलेशन 1 से 3 मार्क के लिए आता है। बहुत बार मैंने देखा ये 3 मार्क का एक सेट आता है। इनपुट आउटपुट, ये एक टॉपिक है, ये लगभग 5 मार्क के लिए आ सकता है। इसके अलावा सिलॉजिज्म भी एक टॉपिक है जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन वो भी आ सकता है। सो लगभग 35 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर जस्ट लाइक द अर्लियर 2 सेक्शंस आपको फिक्स करना है कि कौन से टॉपिक्स पे आपको फोकस करना है। और एक बात, उसके लिए आपको पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसके अलावा बहुत बार कोई टॉपिक जो होता है या कोई क्वेश्चन सेट रहेगा, शायद अगर डिफ़िकल्ट है तो लाइक कोई पजल है जो आपको अच्छा है या बुरा है, वो पहले 1-2 मिनट में जज करना होता है। इमीडिएट आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन 5-10 मिनट वेस्ट करने के बाद अगर आप पजल स्किप कर रहे हो, तो आपका 20 मिनट का ये सेक्शन है, उसमें 10 मिनट का लॉस ऑलरेडी आप क्रिएट कर रहे हो, और वो 5 क्वेश्चंस भी गए, और वो आपका मूड भी ख़राब करेगा। ये हुआ रीजनिंग एबिलिटी के बारे में। लेट्स सी कि प्रैक्टिकली कितने अटेम्प्ट्स होने चाहिए। सो ये पॉसिबल नंबर अटेम्प्ट्स में बता रहा हूँ, इतने होने चाहिए, और इतने अटेम्प्ट्स हर एक सेक्शन में हो रहे हैं। देखो, आप इतने अटेम्प्ट्स टारगेट कर रहे हैं ना, तो सेक्शनल कट ऑफ का आपको सोचने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इश्यू रहेगा कि ओवरऑल कट ऑफ आप क्लियर करने वाले हो या नहीं करने वाले। तो हर किसी के मैक्सिमम अटेम्प्ट हर एक सेक्शन में नहीं होने वाले, बिकॉज हर किसी का स्ट्रेंथ अलग होता है, वीकनेस अलग होता है। बट एक टेंटेटिवली जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया, जैसे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 से 20 क्वेश्चंस है, रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ्स जो है ये थोड़ा वक्त लेता है, सो ये 15 से 20 क्वेश्चंस के ऊपर नॉर्मली नहीं जाएगा। बट इंग्लिश आपको 25 क्वेश्चंस तक के अटेम्प्ट्स दे सकता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे क्वेश्चन 15-20 सेकेंड आधे मिनट में सॉल्व होते हैं, और आपका ओवरऑल अटेम्प्ट्स 60 से 70 के बीच में होना चाहिए। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, मैंने 60 से 70 अटेम्प्ट्स कहा है, इसके लिए 60 या 70 अटेम्प्ट करने मत जा। मतलब क्या कि मैंने 70 अटेम्प्ट बताए,
लेकिन उस 70 अटेम्प्ट में से अगर आपके हार्डली 35 अटेम्प्ट करेक्ट आने वाले हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। सो मेरा कहना रहेगा शुरुआत जो है थोड़ा स्लोली करो, मतलब एक्चुअल एग्ज़ाम में नहीं, अभी जब आप टेस्ट प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे तभी आपका शुरुआत ऐसा होना चाहिए कि चलो 40 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर रहा तो उसमें से 35 सही आए, अगर आप 50 अटेम्प्ट कर रहे हो तो 40-45 अटेम्प्ट सही आ जाए। ये एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट पे उस पर फोकस करोगे तो अगर आप 60 अटेम्प्ट भी निकाल रहे हो उसमें से लगभग 50-55 करेक्ट है तो ये एक अच्छा अटेम्प्ट हो सकता है। बट अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ्स क्लियर करने की बात करूँ तो आपका टारगेट होना चाहिए कि कम से कम 60 अटेम्प्ट हो एक्चुअल एग्ज़ाम में मिनिमम, बिकॉज आरबी असिस्टेंट के जो कट ऑफ्स है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के वो हमेशा 60 के ऊपर रहे हैं। अगर पेपर आसान है तो आपके 65-70 अटेम्प्ट भी हो सकते हैं, पेपर अगर डिफ़िकल्ट है तो 60 अटेम्प्ट के आसपास तक ही आपका सारा वक्त ख़त्म हो जाएगा। सो अगेन जो अटेम्प्ट करने हैं वो आपके हिसाब से करने, आपके दोस्त का पेपर आसान गया उसने 70 अटेम्प्ट किए इसके लिए आप 70 अटेम्प्ट करने मत जाओ, आपको अगर ऑनेस्टली जितना आ रहा है उस हिसाब से अगर आप सिर्फ 60 अटेम्प्ट कर सकते हो दैट इज़ फाइन, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट, उतना ही करके आ जाओ, बिकॉज अल्टीमेट रिजल्ट्स में चेंजेस होते हुए और 60 अटेम्प्ट से भी आप नेक्स्ट राउंड में जाने का एक बड़ा पॉसिबिलिटी रहेगा। सो ये बात लास्ट वाली बात जब भी मैंने कही वो अच्छी तरह से फॉलो करना। ओके देन लेट्स कम टू द एंड ऑफ द थिंग, अगर आप स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हो तो हमारा ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप का लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें आप मैथ्स और रीजनिंग की पढ़ाई शुरुआत कर सकते हो, और हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट है उसकी डिटेल्स भी मैं आपके लिए शेयर कर रहा हूँ, यू कैन परचेज दैट, दैट कैन बी द बेस्ट स्टडी मटीरियल फॉर द नेक्स्ट 45 डेज। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेलकम अगेन विद द न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।